बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग कनाडा का एक और मज़ेदार प्रोग्राम के साथ आपका अपना होस्ट इजाज़ अकबर आप सबको खुश आमदीद कहता है और सुबह बखैर कहता है। मौलाली का कौल है कि अच्छाई की मिसाल इस तरह की है कि जिस तरह पहाड़ पे चलने की एक कदम बढ़ाएं दूसरा और मुश्किल हो जाता है, जबकि बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से उतरने की कि एक कदम बढ़ाएं तो दूसरा खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। मगर चढ़ते वक्त एक बात का ख्याल होना होता है कि आपको बुलंदी मिलती है जबकि नीचे आपको पस्ती ही मिलती है। कोशिश करें अपने अंदर अच्छाई रखें, लोगों के लिए नेक काम करें, नेक नियति से काम करें ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए मैं जल्दी से आपको बताता चलूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे बहुत प्यारे अज़ीज़ भाई जनाब तलहा साबरी साहब हैं। अस्सलामु तला भाई। वालेकुम अस्सलाम। तला भाई का नाम आप सब जानते ही हैं और उसके साथ ही मैं इनको इंट्रो करूं कि ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमजद साबरी के भाई और मकबूल साबरी ब्रदर्स के साहबजादे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो तला भाई ये बताएँ कि आपकी सुबह का आगाज़ किस तरह होता है? भाई सुबह का आगाज़ सबसे पहले सुबह उठते हैं फजर में नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर रियाज करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आजकल वैसे क्या हो रहा है आप लोग के प्रोग्राम? आजकल आप टीवी में आ तो रहे हैं लेकिन इतना दिखाई नहीं देते हमें। बस आपको पता है आजकल कोविड अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है तो कोविड की वजह से शोज वगैरह भी बहुत कम हो रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों में बेहतरी आ रही है तो हमारे भी शोज वगैरह भी शुरू हो गए हैं। आप समझ लीजिए बस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली गाड़ी चलना शुरू हो गई है माशाल्लाह। तला भाई एक बात तो माशाल्लाह आपके साथ बड़ा ब्लेस है कि आपकी ट्रेनिंग बचपन में इतने बड़े ख़ानदान में हुई है माशाल्लाह के दो साबरी ब्रदर्स फिर उसके बाद अमजद भाई और बाकी, तो ये ट्रेनिंग के बारे में बताएं अपने बचपन के बारे में कि कैसे बचपन था आपका, कैसी ट्रेनिंग हुई आपकी? भाई बचपन में यही होता था, हमारे वालिद साहब मुझे और अमजद भाई को सुबह उठा दिया करते थे। अच्छा। और फिर रियाज वगैरह कराना, फिर रियाज कराते थे और उसके बाद फिर हम लोग अपने स्कूल वगैरह की एक्टिविटी स्कूल चले जाते थे, फिर वहाँ से आने के बाद हम ग्राउंड चले जाते थे वहाँ क्रिकेट वगैरह खेलना। तो इतनी सारी मसरूफियात और स्कूल भी, स्कूल में कैसे थे आप? स्कूल में बस नॉर्मल था। अच्छा आप में से ज़्यादा शरारती कौन था, आप थे या अमजद भाई थे? भाई अमजद भाई थोड़े ज़्यादा शरारती थे। अच्छा आप थोड़े सी, मैं ज़्यादा थोड़ा शर्मिला बच्चा हूँ। शर्मिले हैं या आप हमें बता रहे हैं? अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि तो ये इतने मुश्किल आप स्कूल की, एक तो पढ़ाई इतनी मुश्किल होती थी उस पर फिर ये रियाज और ये सिकाई का काम कैसे करते थे, कितने मुश्किल होती थी? भाई ये तो सब देखें ना आप, वालिद साहब हमें हमेशा से उठा दिया करते थे सुबह और फिर हम बचपन से अपने वालिद साहब को देखते थे वो किस तरह से करते आ रहे हैं तो वो हमेशा हमसे करवाते थे। हालांकि उनकी तरफ से कोई इतना ख़ास वो नहीं होता था, वो सिर्फ यही कहते थे, ख़ास तौर पे यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, वो मुझे और अमजद भाई भी कहते थे कि बेटा रमज़ानों में मस्जिद में जाके नाच ज़रूर पढ़ा करें। सुभानअल्लाह। हम मस्जिद जाके ऐसी होगी तो ऐसे ही होना है और बच्चे परवरिश पाएंगे। अच्छा ये बताएं आपके कितने भाई बहन हैं और इस फील्ड में कितने लोग हैं? टोटल तो हम लोग 11 बहन भाई हैं और इस फील्ड में हम दो ही हैं। अच्छा। मैं और अमजद भाई। अमजद भाई के बाद आपने इसको माशाल्लाह सहारा दिया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अमजद भाई का, अपने वालिद साहब का, अपने बुजुर्गों का नाम लेके चल सकूँ आगे। नो डाउट माशाल्लाह वो दो क्योंकि पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कव्वाल ब्रदर्स आज तक आए नहीं कि इतने मकबूल, और बल्कि मेरे ख्याल में पहले कव्वाली को लाने वाले ही आपके माशाल्लाह वालिद साहब और चाचा साहब थे। जी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी मेरे वालिद साहब और मेरे चचा ने सबसे पहले कव्वाली शुरू की। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा इदारा है कि जो कव्वाली बाकायदा सिखाए, जैसे किसी को सीखना हो कव्वाली तो हम किसके पास जाएं, या आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या जानते हैं कि जहां पर सिखाया जा सके? भाई पहली बात तो ये हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, हम लोग चला भी रहे हैं हमारा इंस्टीट्यूट, हम अपने घर पे भी सिखाते हैं। अच्छा माशा। इसके अलावा तारिक रोड पे आर्ट काउंसिल में भी है हमारा, एक तारिक रोड पे भी ब्रांच है। आप लोगों का कोई ऐसी फाउंडेशन है या आर्ट काउंसिल से रिलेटेड है आप लोग? हमारी अपनी फाउंडेशन भी है और आर्ट काउंसिल भी है। अच्छा
कवालियों की एक अलग से अपनी फाउंडेशन भी होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हमने बहुत सुना है कि अमजद भाई के जाने के बाद, ज़ाहिर बात है इतना बड़ा ग्रुप लेके चलना, और जबकि अमजद भाई का तो एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दुनिया भर में माशाल्लाह उन्होंने किया है, तो ये कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, या कोई ऐसा कोई मसाइल या कोई ऐसी शिकायत जो आप करना चाहें हुकूमत से? अब तक हुकूमत ने हमारा बहुत साथ दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा माशाल्लाह। बहुत सारे वादे उन्होंने पूरे भी किए हैं, कुछ वादे अभी भी रहते हैं। अच्छा, आप जैसे कि उन्होंने कहा था मेरी जॉब के बारे में, देखिए हमारी फील्ड तो हमारी तो हवाई रोजी है, एक जॉब का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर गवर्नमेंट में मुझसे कहा हुआ भी है कि मेरी जॉब का और बच्चों की क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके एहसास वगैरह सब गवर्नमेंट उठाएगी, तो ये प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ये अब तक प्रॉमिस है? ये तो एक बड़ी अफसोस की बात है, अगर कोई सुन रहा है हमारे तवस्सुल से या हमारे व्यूवर्स कोई अगर इस तरह कोई हेल्प कर सकते हैं कि प्लीज़ इस प्रोसेस को क्विक करें, क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक ऐसी चीज़ को कवाली, क्योंकि अब देखा जाए तो कवाली में वो बहुत से डिफरेंट फ्यूजन्स आ रहे हैं उसमें, मॉडर्न म्यूज़िक और ये, लेकिन ये जो प्रॉपर कवाली जो होती है, जो कवाली का अंदाज़ होता है वो ये लेके चलते हैं। और मुझे ये बताएं, अगर किसी को यहाँ कनाडा में या कहीं पे दुनिया में आपका प्रोग्राम करवाना हो या इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराना हो, उसका प्रोसीजर क्या है और वो किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? भाई आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें, तला में मैनेजर भी हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें। तला भाई ये बताएं, कोई आपकी ऐसी फेवरेट कवाली जो आपको पसंद हो, एक तो हमें माशाल्लाह सारी ही कवालियाँ पसंद हैं आपकी, लेकिन जो आपकी फेवरेट हो। मेरी फेवरेट तो मुझे मोस्ट फेवरेट ताजदार हरम ने कहा है। ताजदार हरम, अगर पॉसिबल है तो दो जुमले अगर उसके आप हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा अगर आप सुना सकें। जी ज़रूर। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत बिगवारा है, जन्नत बिगवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिल तकदीर मदीना लिख दे। तारी हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सबे जाएंगे, ताजदारी हरम मैं कशो आओ, आओ मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले जब साल के तरीन महीने पहुंच गए, जद्दे में आशिकों के सफीने पहुंच गए, जिनको तलब किया है मदीने पहुंच गए, पढ़ते हुए दुरूद मदीने पहुंच गए, तजल्लियों की अजब है फ़ज़ा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे तदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बराए रास्त है राहे खुदा मदीने में, मदीने चले मैं कशो आओ, आओ मदीने चले, दस्त साथी कौसर से पीने चली, याद रखो अजय उठ गई एक नजर वो नजर, याद रखो अजय उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भए जाएंगे, ताजदारी हरम हरम। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, क्या कहना है माशाल्लाह। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने वो कलाम पढ़ा जो हम बचपन से सुनते हुए आते हैं, और अभी भी बिल्कुल वैसा ही लगा कि हम उस दौर में पहुंच गए आपके वालिद साहब के। ये कलाम ऐसे हैं कि ये जब भी कहीं पर भी बजते हैं एक रूहानी सुकून मिल जाता है इंसान को। बिल्कुल तला भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपको फिर से बुलाएंगे एक बार एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अपने होश इजाज़ अकबर को इजाज़त दीजिए।